दोस्तों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम लोग ऑलरेडी काफ़ी कुछ टॉपिक्स का अध्ययन कर चुके हैं और एंशियंट क्लासिकल पीरियड का हमने अपना अध्ययन पूर्ण कर लिया है। वहाँ पर हम लोगों ने मेन जो हमारा फोकस था वो था ग्रीस जियोग्राफर्स और रोमन जियोग्राफर्स। बहुत सारी बुक्स हमने वहाँ पर देखी थी। इसके पश्चात हम लोग बीच वाले समय में आए जो कि एंशियंट क्लासिकल और मॉडर्न क्लासिकल के बीच का है, जहाँ पर हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब जियोग्राफर्स को देखा और रेनेसा पीरियड, पुनर्जागरण काल जिसे हम कहते हैं, जिसे हम एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज भी बोलते हैं, खोजों एवं अन्वेषणों का युग। और इसके पश्चात एक टॉपिक उसमें और था, वो था डार्क एज का टॉपिक। तो ये वाला जो हम लोग का टाइम पीरियड था, इसका हमने अध्ययन किया और इस समय हम लोग मॉडर्न क्लासिकल पीरियड में प्रमुख जियोग्राफर्स की स्टडी कर रहे हैं, जैसे वॉरेनियस, हम्बोल्ट, कांट जैसे इम्पोर्टेंट जो हमारे बड़े लेजेंडरी जियोग्राफर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि एक चैप्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अभी तक की जितनी बुक्स पढ़े हुए हैं एंशियंट में और उसके बाद वाले में, अभी तक हम जितनी भी बुक्स पढ़े हैं, क्योंकि बुक्स से बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे आते हैं थॉट में, तो एक ऐसा चैप्टर होना चाहिए। तो वही मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। अभी तक की जितनी भी हम लोगों की इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिनकी अभी हमने स्टडी की, जब हम रोमन जियोग्राफर पढ़ रहे थे, ग्रीस जियोग्राफर्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अरब जियोग्राफर्स, तो उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट हम लोगों को बुक्स मिली थी। तो आइए उन सभी की हम लोग एक बार लिस्टिंग जो हमने की है उसको देख लेते हैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी बुक्स की हमने अभी तक स्टडी कर रखी है। सबसे पहले ये पांच पुस्तकें हैं ग्रीस जियोग्राफर वाले चैप्टर से संबंधित। बहुत ज़्यादा हम लोग इसकी व्याख्या यहाँ पर नहीं करेंगे, बस बुक का नाम, उसके लेखक और अगर उस बुक के बारे में कोई इम्पोर्टेंट जानकारी है तो उस पर हम बात करेंगे। इलियड ओडिसी एक महाकाव्य हमने देखा था वहाँ पे होमर का। होमर वास्तव में एक बहुत ही बड़े कवि थे और उन्हें एज अ जियोग्राफर भी हम मानते हैं, क्योंकि इन जो उनकी बुक्स हैं, उनके जो महाकाव्य हैं, इसमें उन्होंने ट्रोजन के युद्ध का वर्णन किया है। वहाँ युद्ध का वर्णन करते समय सेनाएं किस स्थान से जा रही हैं, युद्ध का कौन सा स्थान है, इन सब चीज़ों को बताने के दौरान वो भौगोलिक स्थलों के बारे में भी बता रहे हैं, मतलब कि रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ रही हैं, तो उनका वर्णन एक जियोग्राफर जैसा देखने में लग रहा है, इसीलिए इन्हें एज अ जियोग्राफर हम मानते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं अपने इन दो महाकाव्यों में, इलियड ओडिसी, तो ये होमर की कृति है, बहुत ही फेमस, और मुझे उम्मीद है कि अगर कभी भी पूछी जाएगी तो गलत नहीं होगा और कई बार ये पूछी भी जा चुकी है। इलियड ओडिसी बाई होमर, एक महाकवि। दूसरी हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट, और अगर देखा जाए तो ग्रीस जियोग्राफी वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा ये बुक इम्पोर्टेंट है, वो है जस पीरियोडस। जस पीरियोडस हिकेटियस महोदय की बुक है और इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि किसी किसी जो है पुस्तक में इसका नाम पीरियोडस लिखा होता है केवल, और कहीं कहीं पर जस पीरियोडस होता है। तो आपको ध्यान देना है कि जब मैंने काफ़ी इस पर सर्च किया तो ज़्यादातर जगहों पे जस पीरियोडस नाम ही मिल रहा था, तो जस पीरियोडस ज़्यादा सटीक है हिकेटियस के माध्यम से, हिकेटियस की जो ये बुक है। और ये इसका तात्पर्य होता है पृथ्वी का वर्णन, और एक तरीके से इसको एक पहली पुस्तक माना जाता है, एक व्यवस्थित पुस्तक जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि उसके पहले हिकेटियस के पहले कोई ऐसा विद्वान नहीं आया था जिसने ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बुक लिखी हो। होमर थे, थेल्स आए, फिर एनेक्सिमेंडर आए, तो होमर तो महाकवि थे, थेल्स और एनेक्सिमेंडर तो बेसिकली मैथमेटिकल जियोग्राफी से रिलेटेड थे, तो हिकेटियस की ये बुक पहली बुक मानी जाती है, एक व्यवस्थित बुक। फिर इसके बाद इरेटोस्थनीस की जियोग्राफी का, और हम जानते हैं कि इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी टर्म का यूज़ किया था। पोसिडोनियस, जिन्हें हम मानते हैं
फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, द ओशन व्यू की बुक थी, महासागरों का इन्हें बहुत ही अच्छा ज्ञान था और उसी से रिलेटेड ज़्यादा स्टडी भी इन्होंने की थी। एक चीज़ हम और यहाँ बताते हैं, पोसिडोनियस फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और हेकेटियस, हेकेटियस को भी हम फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं, और इरेटोस्थनीज है हमारे फादर ऑफ जियोग्राफी। मतलब कि यहाँ पर हमको दो फादर ऑफ जियोग्राफी मिल चुके हैं, हेकेटियस और इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जियोग्राफी टर्म का यूज किया, और हेकेटियस को उनकी जेस्पेरियोडस पुस्तक के कारण हम कहते हैं। इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट बुक मेटीरियोलॉजिका, एरिस्टोटल। इस पे तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आए हैं और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक आगे जब हम रोमन पढ़ेंगे तो वहाँ एक बुक आएगी मेटीरियोलॉजी, वो बुक है प्लीनी महोदय की। प्लीनी बहुत ही एक बड़े जियोग्राफर हैं, रोमन जियोग्राफर। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे हिस्टोरिया नेचुरलिस है और मेटीरियोलॉजी जैसी बुक्स हैं। तो मेटीरियोलॉजी और मेटीरियोलॉजिका में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। मेटीरियोलॉजिका अरस्तु की है, इसमें इन्होंने ज्वालामुखी के विषय में जो भी घटनाएं घटित होती हैं इस तरह की, उसके बारे में, मौसम के बारे में काफ़ी जानकारी इन्होंने दी है। तो मेटीरियोलॉजिका अरिस्टोटल। और एक चीज़ हम और ऐड करना चाहेंगे, जियोग्राफिका जो है वो इरेटोस्थनीस की भी है, और जियोग्राफिका भी आगे आगे हमें स्ट्रैबो महोदय की भी मिलने वाली है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए कि कभी कभी एक ही राइटर की जो बुक्स हैं, मतलब अलग अलग जो लेखक हैं, शीर्षक काफ़ी बुक्स का सेम मिलेगा। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर ऐसा कभी प्रश्न है, मान लीजिए जियोग्राफी का प्रश्न आता है कि किसने लिखी, और ऑप्शन में स्ट्रैबो महोदय का भी नाम है और नाम है इरेटोस्थनीस का, तो वहाँ आपको ये देखना है कि किसकी बुक ज़्यादा फेमस है। तो इन दोनों में स्ट्रैबो वाली जियोग्राफी का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन पांच ग्रीस जियोग्राफर वाले चैप्टर की पुस्तकों को पढ़ने के पश्चात अब हम लोग रोमन जियोग्राफी से रिलेटेड जो हमारी बुक्स है उसको देखते हैं। जियोग्राफिका स्ट्रैबो, जैसा कि अभी हमने जस्ट देखा, इसके पहले मैंने बताया था। हिस्टोरिकल मेमोयर, हिस्टोरिकल मेमोयर के रूप में लगभग कई बुक्स का एक कलेक्शन था स्ट्रैबो का, तो उसको भी मैंने यहाँ लिख दिया है। द अल्माजेस्ट, बहुत ही फेमस टॉलमी की। द गाइड टू जियोग्राफी, भूगोल की निर्देशिका, टॉलमी। मेटेरियोलॉजी, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको मेटेरियोलॉजी के बारे में, प्लीनी। हिस्टोरिया नेचुरलिस, प्राकृतिक इतिहास, प्लीनी। कॉस्मोग्राफी, डिकारोग्राफी और स्काईलैक्स, ये तीन बुक्स हैं पोम्पोनियस मेला की। पोम्पोनियस मेला लास्ट रोमन जियोग्राफर माने जाते हैं। पोम्पोनियस मेला की ये तीन इंपॉर्टेंट बुक हैं, कॉस्मोग्राफी, डिकारोग्राफी और स्काईलैक्स। कॉस्मोग्राफी में ब्रह्मांड के विषय में बताया है, डिकारोग्राफी में भूमंडल के विभिन्न प्रदेशों इत्यादि के बारे में बताया, और स्काईलैक्स में भी इसी तरह का कुछ इन्होंने प्रदेशों का वर्णन किया है। एनेलिमा और जियोग्राफिया, मैंने वहाँ टॉलमी की जब बुक लिखी थी तो मैं दो बुक को मिस कर गया था, तो मैंने दो को यहाँ लिख दिया है, एनेलिमा और जियोग्राफिया। ये दो और टॉलमी की हैं, मतलब कि एक टॉलमी की अगर देखा जाए तो द अल्माजेस्ट और गाइड टू जियोग्राफी दो हो गई वो, इधर एनेलिमा और जियोग्राफिया। तो इस प्रकार हम लोगों की ये 11 बुक्स हो गई रोमन जियोग्राफर से रिलेटेड। और इस जो भी हमने पूरा पढ़ा, हमने टोटल 16 पुस्तकों को देखा, बुक्स को हमने देखा, जिसमें कि पांच हम लोगों की हैं ग्रीस वाले चैप्टर से रिलेटेड, ग्रीस जियोग्राफी ये पांच हमारी, और ये एक से लेके 11, तो 11 11 रोमन की और पांच हमारी ग्रीस की। तो टोटल अभी तक हम लोगों ने 16 बुक्स, 16 पुस्तकों को हमने देखा। अब हम लोग अरब वाले भाग में चलते हैं और अरब जियोग्राफर्स के जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, क्योंकि वहाँ पर पुस्तकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए अब हम लोग उसको देखते हैं। अरब जियोग्राफर्स में अगर हम पुस्तकों को देखें तो बहुत सारी उसमें बुक्स हैं, सबकी मैंने लिस्टिंग कर दी है, ये देखते हैं। पहली बुक है मार्गों और परिमंडलों की पुस्तक, मोहम्मद अब्दुल कासिम। जब हम लोगों ने अरब वाला चैप्टर शुरू किया था तो पहला नाम इन्हीं का था,
हमारे जियोग्राफर जिनकी हमने स्टडी की, मोहम्मद अब्दुल कासिम मार्गों और परिमंडलों की पुस्तक किताब मुराद अल दहाब स्वर्णिम चारागाह। यहाँ मैंने आपको बताया था कि इस बुक के दो नाम हैं, कहीं कहीं पर गोल्डन मीडोज या स्वर्णिम चारागाह लिखा होता है और कहीं कहीं पर लिखा होता है किताब मुराद अल दहाब। तो ये चीज ध्यान देने वाली है थोड़ी सी, ये इसके दो नाम है, किताब मुराद अल दहाब या फिर स्वर्णिम चारागाह बाई अल मसूदी। किताब अल तनवावल इशरफ अल मसूदी, किताब अखबार अल जमा अल मसूदी, किताब अल औसात अल मसूदी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोगों को चार पुस्तकें अल मसूदी की मिल गई। सबसे ज़्यादा पुस्तकें अगर किसी की हैं तो वो अल बरूनी की हैं, किताब अल हिंद, तारीख अल हिंद और अल कानून अल मसूदी। ये तीन तो बहुत ही फेमस हैं, लेकिन इसके अलावा अथर अल बगिया, किताब अल जमाकिर, किताब अल सैदना, अल तहदीद और इसके पश्चात 13वीं जो पुस्तक है वो है किताब अल ततबीक की तहकीक। तो ये आपकी टोटल 9 बुक्स हैं, एक एक हम रिसला को भी ऐड कर लें तो 9 पुस्तकें अल बरूनी की हमको यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी। इसमें चार तो आसानी से याद हो जाएंगी, रिसला और शुरुआत की ये किताब अल हिंद, तारीख अल हिंद और अल कानून अल मसूदी। ये अथर अल बगिया से लेके किताब अल ततबीक वाली तक, यहाँ तक थोड़ी दिक्कत है, तो इसको थोड़ा रटना पड़ेगा। फिर इसके पश्चात विश्व भ्रमण के इच्छुकों के लिए मनोरंजन, ये तो नॉर्मल सी बुक है, सभी लोग जानते हैं, अल इदरीसी की। अम्यूजमेंट्स फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, कहीं कहीं पर इंग्लिश में भी लिखा होता है। और इसके पश्चात बहुत ही फेमस रिहला, रिहला हम लोगों ने पढ़ी थी कि इब्न बतूता ने जिन भी मुस्लिम देशों की यात्राएं की वहाँ के मिट्टी इत्यादि के बारे में बताया, मिट्टी जलवायु वहाँ के एग्रीकल्चर, तो वो रिहला है। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है, रिहला और रिसला में अंतर है, डिफरेंस है। रिसला अल बरूनी की है और रिहला हमारे इब्न बतूता महोदय की है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और इसके पश्चात बहुत ही फेमस मुकदमा हम सब जानते हैं, इब्न खालदून, रास्ते व ममालिक इब्न खुरदाद बे, हिंद के करिश्मे रुमहू रमजी, किताबुल अशकाल बहुत ही फेमस है अल बल्खी की। अल बल्खी ने किताबुल अशकाल में जलवायु प्रदेशों इत्यादि का वर्णन किया है। तो ये आपकी 20 पुस्तकें हैं टोटल अरब जियोग्राफर से रिलेटेड, जितने की मुझे मिल सकी। बहुत किताबों का अध्ययन करने के पश्चात अलग अलग कुछ पुस्तकों में कम बुक्स के बारे में बताया गया है, कुछ में ज़्यादा के बारे में बताया गया है, लेकिन मैंने जो इन पुस्तकों को आपके सामने लाया हूँ, मैंने जो भी स्टडी की उसमें ये पुस्तकें मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आई, तो उनको मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ। ये तो हो गई 20 हमारी अरब की। दो बुक्स और हैं रेनेसा पीरियड से रिलेटेड, उसमें विभिन्न साहसों की पुस्तक मार्को पोलो, बुक ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेस बहुत ही फेमस, और एक है मार्को पोलो की यात्राएं, ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो भी बहुत फेमस है, और ये वाली विभिन्न साहसों की पुस्तक, ये आपकी बुक ऑफ वेरियस इंटरप्राइजेस नाम से फेमस है। तो ये आपकी दो ये हो गई और 20 ये हो गई। तो ये 20 अरब की और दो रेनेसा पीरियड से रिलेटेड, तो आपके टोटल ये 22 पुस्तकें हो गई। आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक बार 14 तक पुस्तकें आपको दिख रही होंगी, मैं नीचे की बुक्स भी एक बार दिखा दे रहा हूँ। नीचे आपकी 15वीं बुक है अलिद्रेसी वाली और 16 रियला है, सॉरी, और फिर है 17 पे मुकदमा, 18 पे रास्ते व ममालिक, 19वीं बुक है हिंद के करिश्मे रुमहूर मुजी की, और फिर 20 पे किताबुल अशकाल है। और इसके पहले यहाँ पे हम लोगों ने अध्ययन किया था, तो इसे भी एक बार देख लीजिए।
ये यहाँ पे लोगों ने 16 बुक्स देखी थी, तो 5 ये तो हो गई आपकी ग्रीस ज्योग्राफी से रिलेटेड, और इधर 3 तक आप देख रहे हैं, ये चौथी बुक है, पांचवे और फिर 7वीं से ऊपर से शुरू हुआ कॉस्मोग्राफी से। तो ये आपके टोटल, अगर मैं पूरा एक स्लाइड पे दिखा दूं तो 1 से लेके 5 तक आपकी ग्रीस ज्योग्राफी से रिलेटेड बुक्स हैं, और यहाँ फिर से मैंने 1 से काउंट करना शुरू किया, तो 1 2 3 4 5 6 और इधर 11 तक। तो ये 11 हो गई रोमन से और ये 5 हो गई ग्रीस से, तो ये 16 बुक्स हो गई। और इसके पहले जब अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ 22, तो हम लोगों की जो टोटल बुक्स हो गई वो हो गई 38 बुक्स। 38 पुस्तकों का हमने यहाँ पर अध्ययन किया, उनकी हमने लिस्टिंग कर ली एक, और मुझे उम्मीद है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये बुक्स हैं। और मैंने ये प्रयास किया है कि कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट बुक हो जो ना छूटे मुझसे, कोई भी इम्पोर्टेंट ऐसी बुक ना हो जो छूट जाए। अगर इनके अलावा इन्हीं विद्वानों की और भी कोई आप इम्पोर्टेंट बुक जानते हैं जो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, तो उससे मुझे भी जानकारी प्राप्त होगी। और ये तो खैर इम्पोर्टेंट है जितनी मैंने यहाँ पे बताई है। तो इस प्रकार दोस्तों, इस बुक्स के चैप्टर में इतना ही। आगे हम लोग जब, अभी हम लोग मॉडर्न पढ़ रहे हैं, और मॉडर्न में जब इस तरीके से हम लोग पूरा मॉडर्न क्लासिकल पीरियड समाप्त कर देंगे तो उसकी भी हम एक लिस्टिंग करेंगे, और मैं वहां पे प्रयास करूंगा कि वो थोड़ा लंबा अध्याय हो जाएगा, ये तो खैर छोटा सा है, क्योंकि मॉडर्न में बहुत बुक्स हमको पढ़नी पड़ेंगी। मुझे उम्मीद है कम से कम 100 बुक्स से ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी, तो वहाँ हम एक अच्छी सी लिस्टिंग करेंगे। और वहाँ फाइनल में हम जब अपने भौगोलिक चिंतन के इतिहास की समाप्ति करेंगे पाठ्यक्रम की, तो वहाँ पे पूरे भौगोलिक चिंतन के इतिहास में, ये तो आपने पढ़ी ली प्लस उसको भी जोड़ दूंगा, पूरे भौगोलिक चिंतन के इतिहास में कितनी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, 100 200 300 400 जितनी भी होगी, उनकी एक हम लिस्टिंग करेंगे और उसको देख लेंगे एक बार। तो जुड़े रहिए, आगे आपको थॉट के इम्पोर्टेंट लेक्चर्स जो मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे, जो भी बाहर से चल रहे हैं वैसे हम लोग अच्छी स्पीड से चलते रहेंगे, और क्रम से हम लोग स्टडी करते जा रहे हैं। दो चीज़ें, एंशियंट क्लासिकल और मध्य वाला समय, वो हम ख़त्म कर चुके हैं। मॉडर्न क्लासिकल पीरियड में हम लोग जियोग्राफर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो वो जारी रहेगा। आपको क्रम से इम्पॉर्टेंट जियोग्राफर्स के लेक्चर, उसके पश्चात जो भी यूजीसी का सिलेबस है उससे रिलेटेड टॉपिक्स के आपको लेक्चर्स अवेलेबल होते रहेंगे।